नमस्कार सर, स्वागत आदाब। मैं हूँ आपका दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी टेक्निक जिससे कि आप अपने कबूतरों की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। पहले भी डाली थी ये वीडियो, लेकिन वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट मानूंगा मैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे अब जाके मिली है थोड़ी सी, वो काफ़ी बेटर लगी। और आज मैं डिवॉर्मिंग कर भी रहा था, सोचा आपके साथ मैं ये चीज़ शेयर करूँ ताकि आप भी अपने कबूतरों की डिवॉर्मिंग अच्छे तरीके से कर सकें, कबूतरों की भी और बर्ड्स की भी। इस समय जितने भी मेरे पास कबूतर हैं और बर्ड्स हैं, सभी प्यासे हैं, क्योंकि रात को ही मैंने उनके पानी के जो प्याले थे उनके पिंजरे में से निकाल लिए थे, और सुबह इन्हें दाना दे चुका हूँ। इस समय दाना खाने के बाद प्यास और बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, पहले दिखा देता हूँ। बर्ड्स से शुरुआत करते हैं आज हम। ये मेरे पास बंगाली फिंचेस हैं, इनको मैंने अभी अलग किया था, और आने वाली वीडियोज़ में इनका भी डालूंगा। देखिए, दाना डाला हुआ है, जितना खाना ने खा लिया फिलहाल, अभी पैसे हैं, पानी के बर्तन जो है बाहर ही हैं अभी, ठीक है। उसी तरीके से सामने ये ज़ेब्रा फिंचेस है सारी, और इनके भी पानी का जो मैंने था वो बाहर ही रखे हुए हैं, और इसी तरीके से कबूतरों का भी है। तो अब हमें चाहिए क्या क्या होगा, एक तो देखिए ये है बॉटल जो हमें इस मेथड में चाहिए, बैंडी प्लस। इस पर अगर आपको बैंडी प्लस ना मिले तो इवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल ओरल सॉल्यूशन, इसे दिखा करके भी आप ला सकते हैं। तो इसकी आप फोटो क्लिक कर लें यहीं से, और ये दिखा करके आपको दूसरी कोई इसका अदर ब्रांड में अगर मिल जाए, ये मैनकाइंड वालों की है तो रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। ह्यूमंस की है, ये ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है पानी, उसके अंदर आपको चीनी घोलनी पड़ेगी कम से कम 100 ग्राम। 100 ग्राम चीनी में क्या फ़ायदा रहेगा कि आप जब कबूतरों को देंगे तो जो कबूतरों के कीड़े हैं वो चीनी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और तभी इस दवाई, ये जो दवाई है, अच्छे तरीके से काम करेगी आपकी। और लगभग 4 लीटर पानी, तो पानी हमने ले लिया है, और नेक्स्ट स्टेप करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जो सामान था वो ले लिया है, पानी ये है, इसमें चीनी घोल लिए, जैसे कि चीनी अगर आपको इसमें दिख रही हो, नीचे भी थोड़ी बहुत रह गई है, वो पानी के अंदर जाकर घुल जाएगी। ये हल्का गर्म पानी हल्का सा लिया ताकि जल्दी घुल जाए, टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए, और हम इसे इसमें मिला देंगे सारे पानी में, जो मेन पानी है हमारा, ये देखें आप। इस तरीके से आप इसे मिला लें, इसके अंदर थोड़ी चीनी नीचे जम गई है, इसे भी आप हटा सकते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी बारिश हुई भाई, और धूप इतनी बढ़िया वाली निकल गई है कि क्या बताएं, गर्मी बेहतरीन हो गई। तो इस तरीके से आप इसे कर लें, बर्तन साफ हो गया, पानी मीठी और चीनी थी उसमें मिल गई। अब आपको जो ये है, मैं तो पूरी पूरी बॉटल यूज़ करूँगा, बाकी आप डिपेंड करता है कि आपके पास कबूतर कितने हैं। मेरे पास लगभग 70 कबूतर हैं, तो उसमें 10 ml की ये बॉटल है, ये पूरी की पूरी डलेगी इसके अंदर। बॉटल डल चुकी है पूरी की पूरी, बाकी थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसका, वो भी हम इसके अंदर इस तरीके से शेक करके निकाल सकते हैं। ये देखें आप, बॉटल अंदर से बिल्कुल साफ हो गई भाई, और इस बॉटल को हम अलग से रख देंगे साइड पे डस्टबिन के अंदर, फिलहाल के लिए साइड रख देते हैं, और इस पानी को थोड़ा मिला देते हैं ताकि ये पानी और दवाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाए, और हमारे कबूतरों को देने के लिए बिल्कुल इस समय रेडी है। दवाई रेडी हो चुकी है, तो पहले तो हम अपनी बर्ड्स को देते हैं। बर्ड्स का जो बर्तन है वो उठा लेते हैं भाई, ये है बर्ड्स का बर्तन, और इस पर हम इसे दवाई डाल लेते हैं। 1 घंटे बाद दवाई हटा देनी है भाई, डालने के लगभग 1 घंटे बाद आप इस दवाई को हटा सकते हैं, और जितना बर्ड्स ने पीना होगा वो पी लेंगी, बाकी फिर बाद में सिंपल पानी आपने रखना है इसके अंदर। तो उसमें हमने डाल दिया, चलते हैं इधर की तरफ, ज़ेब्रा फिंचेस की तरफ। और ये बर्तन है, पानी थोड़ा गंदा हो रहा है, इसे फेंक देते हैं बाहर।
दोस्तों पानी इनके लिए भी ले लिया है, वही मेडिसिन वाला, और ये रख देंगे इनके क्रीज में, जिससे कि आकर के जब जैसे ही पियेंगी तो अपना जितने वॉर्म्स होंगे इनके अंदर वो सब निकल जाएंगे, और प्यासी है तो पानी भी अच्छे तरीके से पियेंगी। ये अटका दिया हमने यहाँ पे, केज को वापस कर देते हैं बंद, एक ही बर्तन रखेंगे फिलहाल अभी, क्योंकि बाद में फिर चेंज कर देंगे इसे, ठीक है। तो इस तरीके के बर्ड्स का तो हमने कर दिया, चलते हैं कबूतरों की ओर। पहुंच चुके हैं ऊपर कबूतरों के पास, ये सारे अपने मेल पिजन हैं, दाना डाल दिया था, दाना ये उन्होंने खा लिया होगा जितना इन्होंने खाना होगा, भूख इनकी मिट्टी पड़ी है, बस प्यासे होंगे। तो पानी का इंतजार है, पानी के बर्तन रात को बाहर निकाल दिए थे दोनों के, मेन बर्तन जो है वो भी बाहर है, जो पेयर वाला पिजन है, जितने पेयर हैं डले हुए हैं। तो फिलहाल अभी इसमें पानी कर लेते हैं भाई, दवाई वाला आपके सामने डालेंगे और देखें आप कि कबूतर किस तरीके से, देखिए पानी देखते ही कबूतर आना शुरू, केज का दरवाजा ओपन कर दिया है भाई। आई होप आपको ठीक दिख रहा होगा कि मैं उधर की तरफ लगा हुआ हूँ, तो ये देखें आप, इधर से देखें आप, इधर से व्यू बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, मैं वहीं पे बर्तन रखता हूँ इसका। देखिए फ्रेंड्स कबूतर प्यासे बहुत ज्यादा हैं, सभी भाग भाग के आ गए, और इस समय पोट भर भर के पानी पियेंगे क्योंकि प्यासे बहुत ज्यादा हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से पानी पियेंगे, और वही हमें चाहिए भी कि पानी अच्छे तरीके से पी लेंगे। फिलहाल पहले इन्हें पिलाते हैं फिर कबूतरों की तरफ चलते हैं जो हमारी फीमेल्स हैं। ये पानी आपने एक घंटे बाद हटा देना है, इसे रखे रहने नहीं देना आपने, बर्ड्स के पास से 4 घंटे बाद, कबूतरों के पास से 1 घंटे बाद। प्यासे काफी होने की वजह से कबूतर बहुत अच्छे तरीके से पानी पीते हैं, और कबूतरों ने पानी पहले पी रखा होगा तो बहुत ना के बराबर पिएंगे, और दवाई भी असर नहीं करेगी। आपको इसी बहाने एक सारनपुरी का शौक भी करा देते हैं अपने लॉफ्ट के अंदर, वो देखें सामने घर का बच्चा निकलवाया है, जो दुबाज बच्चा बैठा हुआ है काले जीरो में, जर्ची आंखों में, और लंबी सी गर्दन आपको दिख रही होगी उसकी। ये देखिए दोस्तों ये बच्चा आपके सामने नीचे बैठा हुआ है, अभी ये भाई कलिया साफ करने में आ रहा है, कलिया साफ करके लाएगा, फिर देखते हैं इसकी हाइट क्या होती है। दरवाजा कर दिया है बंद और आ गए हैं हम फीमेल्स की तरफ, फीमेल सेक्शन में जो हमारे पास में फीमेल्स, और इनका प्याला भी इसी तरीके से हम जो पानी था इन्हें भी देते हैं, प्यासी है काफी ज्यादा, तो आई होप जल्दी जल्दी भाग कर ये भी आए। ये डाल दिया हमने भाई लोगों को पानी कुंडे के अंदर इनके, अब देखें आपको आराम से इसका व्यू दिखेगा। आओ 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 आओ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पानी पी लेंगे सभी, ये जिसको प्यास होगी अभी ये पी लेंगे थोड़ा सा, अब देखें और ज्यादा आएंगे अब, क्योंकि वो दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा पहले खुला हुआ था, तो मेल तो बेशरम होते हैं, फीमेल थोड़ी सी अलग किस्म की होती है। दोस्तों बाकी का पानी डाल दिया मैंने बड़े वाले अपने इसमें, और ये देखें आप अगर आपको ठीक ढंग से दिख रहा हो, ये पानी इसमें डाल दिया, इसे ढक देते हैं आप ताकि कबूतर इसके अंदर बीट ना करें, आकर इतना सा खोल देते हैं सिर्फ, इतना सफिशियंट रहता है कबूतरों के लिए, कबूतर आकर के आराम से इसमें पानी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स कबूतरों को खोल लेते हैं बाहर की तरफ और दूर जाके खड़े हो जाते हैं आपको व्यू दिखाने के लिए। सीधा आगे पानी पे ही गिरेंगे आके,
क्योंकि प्यासे बहुत ज्यादा है। ये देखें आप, इसमें मोस्टली मेरे पास बच्चे हैं जो घर में निकले हैं फिलहाल, अभी कुछ सहारनपुरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मलवई हैं और कुछ मद्रासी हैं। इसमें मलवई ज़्यादा है, सहारनपुरी फिलहाल अभी कम है। ये बच्चा जो अभी जीरा बैठा हुआ है सामने, जो ये बैठा है, ये भी उसी का भाई है, जो भी आपको मैंने बच्चा दिखाया था ये उसका दूसरा भाई है, जो अब झोल में निकला था। एक झोल और निकल चुका है इसका सहारनपुरी का, उसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने कबूतरों की अच्छी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कि डिवॉर्मिंग का वीडियो आपको कैसा लगा। मेन सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ अंतर था, एक तो दवाई मैंने चेंज करी है, दूसरा जो मैंने मीठे का कंसेप्ट रखा है वो शायद किसी अब तक मैं वीडियो में नहीं देखा। हो सकता है इस पर वीडियोज़ हों, लेकिन जो डिवॉर्मिंग की दवाई दी जाती है वो मीठे के साथ में देनी चाहिए, ज़्यादा बेटर रिजल्ट होते हैं, क्योंकि मीठा देख करके मीठे से जो कीड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो दवाई के संपर्क में आके मर जाते हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे, जो अगर आप अपने कबूतरों को दवाई दें तो मीठे के साथ दें, इस तरीके से आप चीनी ले लें घोल बना करके, वो चीज़ दें। और अगले दिन सफाई होना बहुत ज़रूरी है, दाने में आप सिंपल दाना डाल सकते हैं कबूतरों को। फिलहाल आप दवाई देने के बाद में, जब अभी शाम को अगर आप कबूतरों दाना डालेंगे या फिर आप अगले दिन दाना डालेंगे, मान लीजिए आपने डिवॉर्मिंग कर दिया, अगले दिन आप दाना देंगे, तो फिलहाल अभी आप इन्हें बॉयल्ड राइस दे सकते हैं, जो कि बहुत हल्के खाना होता है। भूख लगी होगी तो खाएंगे भी बहुत ज़्यादा, वो बॉयल्ड राइस ही खाएंगे, उबले हुए चावल। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। जिस भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं भाई लोगों, और मिलते हैं नई वीडियो साथ में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ यूर पेट्स, बाय बाय।